आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आलू से बनने वाला बहुत ही टेस्टी एकदम चटपटा सा यम्मी सा नाश्ता। इसे न बेलने की जरूरत है न गूथने की जरूरत है, ये आराम से बहुत ही टेस्टी एकदम हेल्दी सा नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने 2 से 3 उबले हुए आलू लिए हैं, इसमें 2 से 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किए हैं। फिर धनिया पाउडर 1 चम्मच, 1/2 चम्मच यहाँ पे हम जीरा पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पे ऐड करेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हम आमचूर पाउडर ऐड करेंगे 1 चम्मच। यहाँ पे ऐड करेंगे 1/2 चम्मच चाट मसाला एकदम चटपटा सा फ्लेवर लाने के लिए। थोड़ा सा यहाँ पे साबुत जीरा ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे 1 से 2 टेबल स्पून यहाँ पे हम ऐड करेंगे सूजी। तीखे के लिए यहाँ पे हम हरी मिर्च ऐड करेंगे, कसूरी मेथी ऐड करेंगे। इन सबको अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसे हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, जिससे जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए, क्योंकि जो आलू होता है उसमें पानी होता है, उससे ही अच्छे से फूल जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। और हमारा 1/2 घंटा हो चुका और ये आप देख सकते हैं एकदम डो अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हमें चलते हैं इसको शेप देने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चॉपिंग बोर्ड पे लगा लेंगे यहाँ पे तेल सरफेस पे, उसके बाद इसको हम शेप देंगे। तो यहाँ पे लंबा सा और यहाँ पे हल्का सा पतला सा शेप देना है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। अगर तेल लगाने से ये चिपक रहा है तो आप सूखे आटे का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम इसकी यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमारा ब्रेड पकौड़ा होता है उसके रेक्टेंगल शेप में हम कटिंग करेंगे, तो इस तरीके से पहले हम यहाँ पे स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे, फिर बेस से इसे 1/2 डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से हमारे रेक्टेंगल शेप में कट हो जाएगा। आप चाहें तो इसे ग्लास से इसे राउंड शेप में कट कर सकते हैं। इस तरीके से काटने के बाद यहाँ पे हल्का हल्का हम इसे फिनिशिंग दे देंगे, इसका शेप जो है अच्छे से यहाँ पे लाने के लिए इस तरीके से आपको फिनिशिंग देना है। उसके बाद हम यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से तेल गर्म होने के बाद यहाँ पे इसे हम डाल करके गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है, इसे आप एक बार डाल देंगे, जब तक ये नीचे से गोल्डन नहीं हो जाएगा तब तक इसे नहीं पलटेंगे, क्योंकि ये सॉफ्ट है तो इसे इसका शेप जो है वो ख़राब हो सकता है। इसीलिए जब नीचे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तभी हम इसे पलटेंगे। इस तरीके से आपको सावधानी से पलट करके दोनों तरफ अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक यहाँ पे फ्राई कर लेना, और हमारा टेस्टी सा नाश्ता चटपटा सा बनकर तैयार हो चुका है। तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आप सिर्फ आलू से घर पर नाश्ता तैयार कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, शाम के स्नैक्स के साथ, दोपहर में अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड एंजॉय करें।